नमस्कार, कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत गैप हो गया वीडियो आने में भाई। आज मन हुआ कि कुछ बोले आप लोगों को, एटलीस्ट एक मैसेज दूं कि नई वीडियो आने वाली है। अभी मैं फिजिकली मेंटली फिट हो चुका हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बाहर गया था। तो मैडम संगीता शर्मा, इनके साथ मैं एक्चुअली सुबह शाम ग्रीन टी पीता हूँ, तो मैं सोचा कि आज शाम की ग्रीन टी भी पी लें, आप लोगों से बातें भी हो जाए और थोड़ी सी ग्रीन टी कैसे बनती है इसके बारे में भी बता दूं। और मैडम की हाथों का ग्रीन टी का तो जवाब ही नहीं है भाई। सुबह अगर एक गिलास भर के अगर ना पियो ना तो मज़ा ही नहीं आता है। इस गिलास में भाई साहब भर के मैं एक गिलास ग्रीन टी पीता हूँ सुबह सुबह। और ये ग्रीन टी लेमन हनी की बात कर रहा हूँ, लेमन हनी ग्रीन टी ज़बरदस्त है। और साथ में आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जिंजर, तुलसी, लेमन या प्लेन पीजिए, अच्छी ग्रीन टी पीजिए, देखिए क्या मज़ा है। मतलब फिजिकली फिट, मेंटली फिट, आप एकदम श्रीमान फिट रहोगे, किसी तरीके का बीमारी नहीं होगी। होगी थोड़ी मोड़ी वो सब अलग है, लेकिन एक डेली रूटीन के लिए ग्रीन टी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। आप कहीं भी देखो, कहीं भी पढ़ो, ग्रीन टी के बहुत सारे अद्भुत फायदे हैं। मेरे पहले ब्लॉग में भी मैंने कई तरह के ग्रीन टी के बारे में बताई हैं बातें। तो देर न करते हुए अभी ग्रीन टी बनाएंगे। मैम आप किस तरीके का ग्रीन टी पिलाने वाली हैं? लेमन हनी ना? मैं लेमन हनी ग्रीन टी पिलाऊंगी। अच्छा, कैसे क्या क्या उसके लिए यूज करेंगी आप, ये सब बताइए मुझे। पहले तो ये लेमन, ठीक है, उसके बाद में हनी यूज करेंगे हम लोग। गर्म पानी हम लोग लेंगे। पानी गर्म कर लिया ऑलरेडी? हाँ, गर्म पानी आप किसी भी तरीका से गर्म कर सकती है, जरूरी नहीं है कि ये केतली ही होना चाहिए, सॉसपैन में नॉर्मली आप किचन में भी गर्म कर सकते हो। करके हम लोग गर्म पानी पहले लेंगे, मतलब एकदम सिंपल था, ज्यादा कुछ लफड़ा है नहीं है। हर किचन में आप हर सामान मिल जाती है, तो आप आराम से बना सकते हो और पी सकते हो। तो एक बार ग्रीन टी मैं दिखा देता हूँ, इस ग्रीन टी को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी मैं ले रहा हूँ। इसकी पर कप कॉस्टिंग की अगर बात करें, देखिए 3-4 रुपये में ग्रीन टी अच्छी बन जाती है। अब 3-4 रुपये में एक अच्छी हेल्दी ड्रिंक्स अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई। लेमन हनी ऐड करते हैं, 5 रुपया पड़ेगा, 7 रुपया पड़ेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रीन टी बनाएंगे, अपना होममेड ग्रीन टी, और साथ में लिप्टन हनी ग्रीन टी का भी चर्चा करेंगे। दोनों का कंपेरेटिव टेस्ट करेंगे, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए मैम आप चालू करिए, आप बनाइए, मैं भी कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा। आप चालू करिए, मैं कुछ दर्शकों को बता दूं। देखिए मैं कुछ ग्रीन टी बनाऊंगा प्लेन, इसमें क्वालिटी टेस्ट की बात करेंगे। ये ग्रीन टी इसमें डालूंगा प्लेन, और आपने ये नहीं दिया ग्रीन टी, तो इसमें मैं ग्रीन टी दूंगा, फिर पानी डालूंगा। पानी का टेम्परेचर हम कम से कम 85-90 डिग्री मेंटेन करेंगे, मतलब पानी बॉयल करके ना हल्के से ठंडा कर लेते हैं, है ना, नहीं तो बिटरनेस आती है। ठीक है, गुड। आप ग्रीन टी बाद में डाल दीजिए, जबकि मैं पहले डाल देता था। चलिए आपका ये रेसिपी देखते हैं। 1 चम्मच दिया, कितने कप के लिए है ये? 1 कप। 1 कप अपने लिए? वाह, मेरे लिए नहीं, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना तरीके से बना रहा हूँ। तो मैं भी करीब 2-2.5 ग्राम के आसपास पत्ती लूंगा। ये ग्रीन टी हल्की होती है ना, तो हम चलो 1 चम्मच लिए 2.5 ग्राम के आसपास, और इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए 3 तरीके से मैं बता रहा हूँ ग्रीन टी बनाना, और इतना इजी रेसिपी है कि पी के मजा आ जाएगा। देखिए पानी में डाल दिया, और पानी हल्की सी 85-90 डिग्री की है, ऐसा नहीं कि बहुत बॉयल वाटर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बॉयल करेंगे ना बिटरनेस आ जाएगा। इसको ढक कर रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। और दूसरी ग्रीन टी मैं इस बॉटल में मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखिए ये 250-250 रुपये में ना बढ़िया बॉटल मिल जाता है, ये मैं 160 या 170 में लिए थे हम लोग। ये देखिए बहुत मज़ेदार है, कहीं पर जाएंगे तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्ट कट है, ऑफिस वगैरह में कहीं यूज कर सकते हैं आप। इसके अंदर मैं ग्रीन टी डालूंगा 1 चम्मच। 1 चम्मच ग्रीन टी करीब डाल दिया, और इसको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इस ढंग से इसको हम बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद से अब इसमें जो है ये मेरा बंद हो गया,
अब कुछ नहीं करना है, इस पे मैं डालूंगा पानी इसमें अप्रोक्स एक कप के जैसा। बढ़िया क्वालिटी की बोतल है, चलो इतना ही देते हैं, ठीक है ना। अब ये विजिबल होगा, आप इसको बंद कर सकते हैं जिससे कि अंदर का टेम्परेचर सही बना रहे। अब देखिए इस ग्रीन टी में इसका कलर चेंज होते हुए दिखेगा, लाइव देख सकता है, यहाँ भी दिख रहा है, इसका भी काफ़ी प्यारा कलर आ रहा है ना। वाह वाह वाह, कितना सुंदर कलर आ रहा है। आप तो ऐसा यूज नहीं करती, आप कैसे बनाती हैं ग्रीन टी? नहीं, ऐसे ही यूज करती हूँ घर में, जैसे नॉर्मली केतली जो होता है ना इस तरह का, उसमें डाल लेती हूँ। डालने के बाद ग्रीन टी डाला, लेमन हनी डाला, बहुत टेस्टी बनता है, एकदम सिंपल तरीका से बनाना है, पीना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सस्पेन में पानी बॉयल किया, ग्रीन टी डाला, ढक कर रख दिया, बॉयल नहीं करना है, किसी भी कीमत पे बॉयल नहीं करना। हाँ, अच्छी ग्रीन टी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी ग्रीन टी। और काली वाली ग्रीन टी कड़वी हो जाती है, उसका टेस्ट वो मज़ा नहीं आता है, है ना। और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हालांकि पानी 100% गर्म रहना चाहिए, गर्म होने के बाद में थोड़ा देर पानी को रखिए, उसके बाद से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब 4-5 डिग्री ठंडा हो जाएगा, 90 डिग्री तक आ जाए तो ठीक है, और उसमें कड़वी नहीं होगी, है ना। तो ये 3 मिनट रखने से काफ़ी है, मेरे ख्याल से 3 से 5 मिनट काफ़ी है। मैं कई बार क्या किया हूँ, जैसे ग्रीन टी आपने निकाल दिया ना, मैं फिर से पानी डाल करके फिर निकाल के पी लूँगा, वो भी टेस्टी लगता है, मतलब कम पड़ जाता है ना, एक गिलास नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो 3 मिनट होने के बाद से इसको उस कप में आप निकालिएगा। मैं इसको क्या करूँगा, इस कप में इसका विजुअल दिखाऊंगा, इसका इन्फ्यूजन दिखाऊंगा, इन्फ्यूजन क्या होता है ये देखेंगे। और इस ये ग्रीन टी, ये बोतल वाला जो माई बोतल ग्रीन टी है, इसको मैं यहाँ डालूंगा। देखिए यहाँ छानने होने का झंझट नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन है, इसके अंदर में कोई लफड़ा ही नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो हल्की सी पत्ती आ सकती है, लेकिन ये और भी ज़्यादा बढ़िया से ये हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी एयर बबल्स वगैरह हो जाते हैं इसके अंदर में, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिलाने डुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ग्रीन टी प्लेन होगा, और ये वाला लेमन हनी के साथ होगा, और ये भी प्लेन होगा। हालांकि मैं डाल सकता हूँ लेमन हनी, क्योंकि मैम तो ग्रीन टी काफ़ी कम बनाई। तो मेरे ख्याल से 3 मिनट हो गया होगा, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले इसको करता हूँ, कि आप भी अपना करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टेनर यूज़ करता हूँ, स्टेनर लीजिए एक बार। आप लेमन भी आपने नहीं काटा अभी तक? अच्छा, ये एक दोनों का टाइम मोरलेस अप हो गया है, ये देखिए क्या जबरदस्त ग्रीन टी हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो इन्फ्यूजन है, मैं इस पर दिखा रहा हूँ कि हरी होनी चाहिए, हरी इन्फ्यूजन जो होती है ना, ये चाय की 80% होती है ग्रीन टी की। और हल्का सा ये जो कलर होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का पीला टाइप का ग्रीन होता है, तो ये जो है अच्छी चाय की पहचान है। देखिए कितना सुनहरा कलर आया है, हाँ। तो ये हो गया हमारा प्लेन ग्रीन टी। आप लेमन हनी डालिए उसमें, हाँ लेमन, देखिए वाह वाह। तो पहले आप लेमन डालती हैं, अच्छा मैं भी इसमें, अगर मैं प्लेन लेमन पीना चाहूँ तो लेमन दे सकता हूँ उसमें। अच्छा अब इसका बारी आ गया, अब मैं हनी मिला रही हूँ, अपने हिसाब से टेस्ट कम ज्यादा कर सकते हो आप, हाँ, ज्यादा ही हो गया, अब तो मीठा पीती हैं अपने हिसाब से आप कम बेसी, जैसे कि ये अगर आधा अगर नींबू आप निचोड़ते हो इसमें, तो आप हनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। हेल्थ बेनिफिट के लिए आप एक पूरा भी लेकर पी सकते हो, इसी बात में, लेकिन नॉर्मली जो मैंने टेस्ट के लिए एक अच्छा ड्रिंक बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस यूज कीजिए, उसके बाद से और बाकी आप चाहोगे कि इसको और हेल्दी बनाना है करना है, तब आधा भी छोड़ सकते हैं। अब नींबू और लेमन गर्म पानी के साथ लेने से तो फायदा ही होगा, हाँ। साथ में ग्रीन टी है, चलिए मेरा ये ग्रीन टी, वाह वाह वाह। अब हम लोग शेयर्स करेंगे थोड़ी देर में,
मेरा ये ग्रीन टी हो गई है, देखिए मेरा ग्रीन टी और इनमें क्या फ़र्क हुआ है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कड़क हुआ है क्योंकि मैंने ग्रीन टी ज़्यादा दिया था, है ना, और मेरा टेम्परेचर इसके अंदर में अच्छा खासा मेंटेन था, ठीक है, तो ये फ़र्क इसमें आता है। मुझे भी थोड़ा सा हनी दीजिए, ये मैंने लेमन दे दिया अपने स्वाद के हिसाब से, और थोड़ी सी हनी। बस बस बस, सो ब्यूटीफुल। अपने अपने ढंग से इसका टेक्सचर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन टी देंगे तो इस तरीके की कलर आएगी, थोड़ा कम देंगे तो इस तरीके की आएगी। अच्छा, लेमन का क्वांटिटी कम ज़्यादा करने से भी कलर चेंज हो जाता है ना, लेकिन टेस्ट आपको सेट कर लेना पड़ेगा, टेस्ट अपने हिसाब से। लेमन का जो लेमन टी जो बनती है ग्रीन टी, वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। अगर आधा यूज करना है आपको, अगर ज़्यादा थोड़ा सा मीठी पीनी है तो आप दो चम्मच यूज कर सकते हो, वो टेस्ट के अनुसार हो जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बूंदी लेना है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्रीन टी में एक बात बताऊँगा, जैसे कि ये जो वेजी नोट होना चाहिए इसमें जो है, अगर इसका इन्फ्यूजन का अगर सेंट लेते हैं ना, तो एक ऐसा लगता है कि कोई पत्तियों को बॉयल किया गया है, एक अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा है, और थोड़ा सा ग्रॉसी वेजी वेजिटेबल टाइप का इसका नोट आता है अगर इसको जैसे बॉयल वगैरह करते हैं, तो ये अच्छी ग्रीन टी की पहचान है। इन्फ्यूज़न जो है ये हमेशा ग्रीनिश होना चाहिए, जितना ग्रीन हो, जितना ब्राइटर हो, ग्रीन हो, उतना बढ़िया है, और ये अच्छी ग्रीन टी की पहचान है ना। आप प्लेन पीते हैं तो अच्छी ग्रीन टी में स्वीटनेस रहेगी, कोई बिटरनेस नहीं आएगी। पीने के बाद से जब अंदर हवा लेंगे ना, तो एक आंवला वगैरह खाते हैं उस तरीके की मिठास होती है। ये देखिए प्लेन ग्रीन टी मैं पी रहा हूँ, इसको पीने के बाद से जब ऐसा करेंगे तो एक एक स्वीटनेस आता है, तो अच्छी ग्रीन टी की पहचान है, ऐसी ग्रीन टी पीना चाहिए। तो चलिए, ये प्लेन ग्रीन टी हो गया, अभी हम लोग लेमन हनी ग्रीन टी को पीते हैं। Cheers. तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, आने वाले वीडियोस अभी पूरा फुल्ली चार्ज हूँ, नए नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे, टी जर्नी आएगा, टी टॉक भी लॉन्च करने वाला हूँ, टी रेसिपी का वीडियो का शुभारंभ आज मैडम के हाथ से हुआ है, मैडम या मैं इसमें टी रेसिपी करके बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे, जिसमें नई नई तरीके की चाय बनाने का हम लोग सिखाएंगे बताएंगे। Cheers. Again, cheers. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ड्रिंक है मॉर्निंग के लिए। वाह, ये जब तक अगर नहीं पीते ना मजा ही नहीं आता है। अच्छा, एक सरप्राइज की बात बता दूं, मैम ब्लैक टी मतलब सीटीसी ब्लैक टी की दीवानी थी, सुबह शाम इनको चाहिए होता है, मैंने छुड़वा दिया ग्रीन टी पिला के, अभी वो चाय पसंद ही नहीं आता है, ग्रीन टी पीने के बाद से वो चाय भूल गया। अगर अच्छा, जमशेदपुर गए थे लास्ट टाइम, यहाँ से सारा सामान लेके गई थी, भाई ग्रीन टी वहाँ बना के पियेंगे ना, अपने मतलब हिसाब से मैं बना के पी लूंगा, ये तो मानना पड़ेगा, मतलब ऐसा नशा हो जाता है। तो ग्रीन टी सबसे बड़ा चीज है ना, ये हेल्थ बेनिफिट है, एक फुल्ली सेटिस्फेक्शन देगा स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके हार्ट के लिए, शुगर के पेशेंट्स है उनके लिए, एक अच्छा फैट कटर का काम करता है स्लिम फिट रहने के लिए, एनर्जी लेवल मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, बहुत तरीके का एक गुड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक एंटी एजिंग का काम करता है। तो ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अद्भुत फायदे हैं, आप लोग देखते रहिए, ग्रीन टी पे और भी ज़्यादा वीडियोस लाएंगे और हम दोनों आपके साथ जुड़े रहेंगे सब समय के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।